भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस बीच उनके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में गुरुवार को आयोजित होने वाले राजकीय भोज के वास्ते खास इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शाकाहारी हैं, इसलिए उन्होंने शाकाहारी व्यंजन बनाने में माहिर शेफ नीना कर्टिस से व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के साथ काम करने और प्रधानमंत्री के वास्ते एक शाकाहारी मेन्यू तैयार करने के लिए कहा। स्टेट डिनर में मेहमानों को सबसे पहले मैरिनेट किया हुआ बाजरा, मकई के दाने का सलाद, तरबूज और एक तीखा एवोकेडो सॉस परोसा जाएगा। वहीं भोजन में भरमा पोर्टोबेलो मशरूम और एक मलाईदार केसर युक्त रिसेट्टो शामिल होंगे। मीठे में गुलाब और इलायची वाले स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक और अन्य व्यंजन शामिल होंगे। इसके अलावा मेहमानों को मेन्यू के अनुसार सुमेक रोस्टेड सी बास, लेमन डिल योगर्ट सॉस, मोटे अनाज का केक और समर स्क्वॉश परोसा जाएगा। जिल बाइडेन ने बताया कि मेज पर हरे और केसरिया रंग के फूल लगाए जाएंगे। आयोजन की सजावट में परंपराओं और अमेरिका और भारत की संस्कृति, विशेषकर भारतीय झंडे का खास ध्यान रखा गया है।